एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बड़ी खबर रामपुर से है। सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत मिली है। जी हां, तीन मामलों में आजम खां को जमानत मिल गई है। डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े हैं तीनों मामले। डूंगरपुर 11 के केसेस में आजम खां के करीबियों पर मामले दर्ज हुए थे। मकान तोड़ने, मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगा था। बड़ी खबर, तीन मामलों में जमानत मिल गई आजम खां को। उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। उबैदुर, पूरी बात बताइए। सीतापुर जेल में बंद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान। उनको रामपुर की जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है, उसने जो डूंगरपुर प्रकरण के 11 मामले थे उसमें से तीन मामलों में आजम खान को जमानत दे दी गई है। पुलिस ने जो आरोपी थे उनके बयानों के आधार पर आजम खान को साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया था। 120B का आरोपी आजम खान को बनाया था, लेकिन अब कोर्ट से आजम खान को कुछ राहत मिली है। उनको तीन मामलों में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है आजम खान की। ज्यादातर मामले जो आजम खान पर दर्ज हैं जमीनों के और मकान तोड़ने के, लूट के, उनमें जमानत अब तक मिल चुकी है। कुछ ही मामले बाकी हैं जिनमें अभी सुनवाई चल रही है। तो फिलहाल आजम खान के लिए ये एक राहत भरी खबर है कि उनको तीन मामलों में जो डूंगरपुर प्रकरण था उसमें जमानत मिल गई है और बाकी के मामलों की अभी जो सुनवाई है वो चल रही है। तो आजम खान काफी अरसे से सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन अब जो उनके पास ऊपर मुकदमे दर्ज थे उनमें ज्यादातर मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आ चुकी हैं। अब सिर्फ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, ये दोनों लोग जो है वो सीतापुर जेल में। उबैदुर, अभी कितने और मामलों में जमानत मिलनी बाकी है? लगभग 5-6 मामले ऐसे हैं। जो पासपोर्ट वाला मामला है उसमें अभी जमानत नहीं हुई है आजम खान की, और इसके अलावा जो कई मामले ऐसे हैं जिनमें आजम खान डायरेक्ट आरोपी नहीं थे, लेकिन जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उनके बयान हुए, तो कई और मामलों में आजम खान को 120B का यानी कि साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है। तो इस वजह से आजम खान की अभी रिहाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कोई ना कोई मामले में वो 120B के आरोपी निकलते हैं। तो इस वजह से आजम खान की जो जमानतें हैं वो लगातार उनके वकील कराने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल जो आजम खान है वो सीतापुर जेल में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल में है। और ये जो राहत मिली है आजम खान को, ये डूंगरपुर का एक मामला था जिसमें मकान तोड़ने का, लूटपाट का मामला था। आजम खान को जांच में आरोपी बनाया गया था 120B का। तो फिलहाल आजम खान को जो 11 मामले ठीक है उबैदुर, तीन में जमानत मिल गई है। बहुत शुक्रिया आपका। तीन मामलों में और जमानत आजम खान को। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।